एचटीएमएल टाइल्स। आज हम एचटीएमएल स्टाइल के बारे में स्टडी करेंगे। एचटीएमएल स्टाइल्स मीन्स क्या, कि जैसे कि आप देखेंगे कि एचटीएमएल पेज पे कुछ कलर्स अलग होते हैं, फॉन्ट साइज कम ज़्यादा होती है, उसके बाद वो टेक्स्ट अलाइनमेंट अलग अलग होती है, उसके बाद वो हम देखेंगे तो वो बैकग्राउंड कलर अलग होता है, ये सब स्टाइल्स में आ जाता है। जैसे और उसका सिंटैक्स क्या है, तो टैग नेम, उसके बाद टैग, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टार्ट और एंड होता है, तो स्टार्ट में जहाँ से टैग स्टार्ट होता है वो वहाँ पे स्टाइल लिखना है अपने, स्टाइल, उसके बाद सीएसएस प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ये प्रॉपर सिंटैक्स है। ये प्रॉपर सिंटैक्स जो मैंने नोटपैड पे लिखा है, ये अपना सिंटैक्स। अभी हम वन बाय वन चले जाएंगे। पहले हम एक पैराग्राफ डाल देंगे बी टैग को लेके, या एक पैराग्राफ डाल दिया है मैंने, उस पर लिखा है माय फर्स्ट स्टाइल्स। अभी हम क्या करेंगे, बॉडी को, बॉडी टैग जो है हमारा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो मतलब स्टाइल, उसके बाद सीएसएस प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और ये भी यहाँ पे कलर लिखना है अपना, कौन सा कलर चाहिए। तो कलर हम वर्ड में भी लिख सकते हैं और एक कोडिंग कोड में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमने रेड लिख लिया, मतलब ये वर्ड है कलर का। वेब ब्राउजर पे हम देखेंगे तो देखो बैकग्राउंड कलर पूरे बॉडी टैग का बैकग्राउंड कलर ये हुआ है, रेड हुआ है। तो सेम हम उसको कोडिंग कोड में भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 000 डाल दिया, ये ब्लैक कलर का कोड है। तो देखिए ये बॉडी कलर ब्लैक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि FFF, ये कोड वाइट का है, तो ये बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब मिक्स कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि CC, अभी ये अलग कलर हो गया। देखो ऐसे हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कलर का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज कलर कोड। तो ऐसे बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये किसी प्रॉपर्टी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि हमने अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा है, और अभी ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में जितने सारे टेस्ट हैं वो टेस्ट का कलर हमें चेंज करना है। तो जैसे कि स्टाइल, अभी इसके लिए कलर करके प्रॉपर्टी है CSS की, और ये कलर प्रॉपर्टी हमने डाल दी। तो अभी कलर डालना है आपको, ये CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू रेड। वहाँ जाके देखेंगे तो देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है, और ये भी वो दिख नहीं रहा प्रॉपर, इसलिए मैं चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। देखिए ये अभी रेड हो गया। अभी ये दो कलर है, अब ब्लू में लिख लेता हूँ। तो मतलब एक हमारा पैराग्राफ ब्लू में दिखना चाहिए और एक रेड में, ये देखिए। जैसे ऊपर हम इसके लिए कोड यूज किया था, वैसे आप इस कलर के लिए कोड भी यूज कर सकते हो।
यूज़ किया है हमने यहाँ पे कोड यूज़ किया। ये वाइट हो गया। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, ये उसी स्टाइल में, स्टाइल एट्रीब्यूट में और एक प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, जैसे कि फॉन्ट फैमिली। मतलब हमें क्या करना है, अभी फॉन्ट फैमिली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि वो उस पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैंने अभी एक फॉन्ट फैमिली ले लिया और एक फॉन्ट ले लेता हूँ, तो अभी ये यूज करने के बाद नीचे का और ऊपर दोनों का फॉन्ट अलग दिखना चाहिए। देखिए अभी ये दोनों का फॉन्ट अलग दिख रहा है, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हमने फॉन्ट यूज़ किया था। अब सेम इसके लिए स्टाइल में यूज़ करता हूँ मैं, और ऊपर इसका इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अभी दोनों के फॉन्ट चेंज हो गए। अभी थर्ड पार्ट है फॉन्ट साइज। वे फॉन्ट साइज हमें यहाँ डिफाइन करना है, जैसे कि देखो अब मैंने परसेंट में साइज फॉन्ट साइज दे दिया 300%। देखो ये इतना बड़ा हो गया। उसके बाद हम ये पिक्सल में भी साइज उसको दे सकते हैं, जैसे कि 36 पिक्सल, ये हो गया 36 पिक्सल। जो पिक्सल हटा के भी दे दिया तो भी वो प्रॉपर वही साइज ले लेता। ये 12 हो गया, अभी देखो इसके 12। अभी मैं इसको बढ़ाए रखा हूँ, ये गया फॉन्ट साइज। आप या पिक्सल और परसेंटेज में दे सकते हो। उसके बाद टेस्ट अलाइनमेंट। अभी देखो स्टेट अलाइनमेंट, नॉर्मली स्टेट अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये चार है, हम चार वन बाय वन स्टडी करेंगे पहला उस, और इसका इफेक्ट भी देखेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट पहले मैंने सेंटर दे दिया, ये अभी टेस्ट सेंटर में आना चाहिए, बराबर आ गया। उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद हम राइट स्टडी करेंगे, अभी देखिए लेफ्ट, अभी हम राइट दे देंगे, ये हो गया राइट। देखिए और अभी ये जस्टिफाई, भी जस्टिफाई जब बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो ये आपको जस्टिफाई का इफेक्ट दिखेगा, अभी दिखेगा नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए जस्टिफाई एक है प्रॉपर्टी CSS की वैल्यू, टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये वो जस्टिफाई।